वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पियानो रोल और मेलोडी बनाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, उसमें एक म्यूज़िक बज रहा था वायलिन का, तो मैं सोचा कि वही बना देता हूँ, तो वही जो है मैंने बना दिया है। ठीक है, तो पहले सुन लेते हैं हम लोग क्या बनाने वाले हैं। ये जो तीन पैटर्न दिख रहा है, 1, 3 और 2, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, अभी ये तीनों पैटर्न हम लोग एक एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये तीनों पैटर्न मिलके 3 वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पैटर्न 1 जो है पूरा बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग पैटर्न 3 जो है कॉर्ड्स वो बनाएंगे, उसके बाद जो है बीट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मेलोडी बनाएंगे, फिर उसका कॉर्ड्स बनाएंगे, फिर उसके बाद बीट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं सुना देता हूँ हम लोग क्या बनाने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले सुन लो। तो ये छोटा सा मेलोडी है जो अराउंड 1 मिनट का है शायद, हाँ 1 मिनट का है। तो ये जो है छोटा सा 1 मिनट का जो है मेलोडी हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पियानो रोल से स्टार्ट करना है, तो हम लोग पियानो रोल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, पैटर्न 1 ये डिलीट कर लेते हैं, पैटर्न 2 भी जो है डिलीट कर लेते हैं, ये सारा पैटर्न जो बनाया था डिलीट कर देता हूँ, फिर स्टार्टिंग से बनाएंगे। ठीक है, अब सारा चीज़ जो है डिलीट हो गया। ठीक है, पैटर्न 1 पे आ गया। अब जो है सिंपली क्या करना है, पैटर्न 1 जो है इस पर क्लिक करना है एक बार, उसके बाद मिक्सर पे एक बार क्लिक करना है। ये आ गया हमारा पैटर्न जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, और उससे पहले आपको एक सेटिंग करना है, ऑप्शन में जाना है, फिर प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग है यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे टाइम बेस PPQ दिखा रहा है। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे 72 या 96 पे होगा। ठीक है, तो उसको जो है मैक्सिमम कर देना है, 768 या फिर 960, मैंने 960 पे रखा है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं, ज़्यादा जूम होता है। ठीक है, इससे, और अगर जितना वो कम रहेगा कम जूम होगा। सबसे पहले ये सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद ये जो यहाँ पे लाइन लिखा आ रहा है, अगर यहाँ पे नन लिखा होगा तो इसे जो है लाइन में सेट कर देना। ठीक है, अब ये क्या है, तो अगर ये नन होगा तो ये हम लोग जैसे चाहे यहाँ वहाँ ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप ड्रैग हो जाएगा, चाहे ये पैटर्न में रहे या ना रहे, मतलब कि ये लाइन में रहे या ना रहे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग का बीट वगैरह, कॉर्ड्स, जो भी मेलोडी वगैरह हम लोग लगाएंगे वो जो है लाइन में असाइन नहीं होगा। ठीक है, सॉन्ग के लिए ये सही रहता है, लेकिन जो पैटर्न के अंदर हम लोग मेलोडी बनाएंगे उसके लिए ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या कर देना है, लाइन में कर देना। लाइन में करेंगे तो ये सिर्फ लाइन टू लाइन ही जाएगा, जैसे कि अभी
मैं इसे एक लाइन में सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं एक लाइन में सेट कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन टू लाइन ही जाएगा, देखो है ना ये, तो ये पैटर्न के लिए ये सही रहता है। तो सबसे पहला ऑप्शन में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके डबल पी क्यू को मैक्सिमम कर देना है, जितना है 960 है तो 960 कर देना है। उसके बाद ये लाइन में कर देना है। उसके बाद टेम्पो जो चाहे वो ले सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि इस म्यूज़िक के लिए टेम्पो डिफ़ॉल्ट ही रहने दे 130, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग का ये तीन स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप पे जाना है, चौथे स्टेप पे हम लोग को ये तीसरा जाना है जिसका नाम है चैनल रैक। तो चैनल रैक क्या है, कैसे काम करता है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो अगर डायरेक्ट इस वीडियो में आए हो तो प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, उसमें सब कुछ बताया है कि कौन सा फंक्शन किसके लिए है, क्या काम करता है, ठीक है। तो ये ओपन कर लेना है। उसके बाद ये प्लस का आइकन होगा, यहाँ पे इतने सारे तो नहीं होंगे, खाली ये चार ही होंगे आप लोग में अभी, कि क्लैप हैड स्नैप, ठीक है, अभी तो ये चार होंगे। तो ये जो है ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए सिंपली हम लोग को एक प्लगइन चाहिए, ठीक है, पियानो के लिए। तो हम लोग जो है प्लस पे ये प्लस के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम लोग के पास डिफ़ॉल्ट एक प्लगइन होता है, उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये साइट्रस लिखा आ रहा है, तो इसे क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये साइट्रस है, इसके अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट है, प्रीसेट्स है, तो हम लोग को जो है इसके अंदर बनाना है। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट एक म्यूज़िक आता है, वो जो है उसमें नहीं बनाना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा साउंड करता है, तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग सिंपल सा पियानो के अंदर करेंगे। तो ये जो है ये प्रीसेट चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे वन बाय वन कर सकते हो, लेकिन ये बहुत सारा प्रीसेट्स इसके अंदर रहता है, तो वन बाय वन करने से अच्छा बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में और ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा क्या करना है, इन दोनों के ऊपर में से किसी पे भी सिलेक्ट करना है और उसके बाद माउस से राइट क्लिक दबाना है, ठीक है। राइट क्लिक दबाते ये इतना सारा इफेक्ट जो है इसके अंदर वो ओपन हो गया। तो हम लोग को पियानो चाहिए, तो पियानो के लिए ग्रैंड पियानो नाम है, ठीक है। तो जी दबाना है, अपने कीबोर्ड पे जी दबाया तो यहाँ पे गैलेंडरियल आ गया। उसके बाद वापस जी दबाना है तो यहाँ पे ये जो है पियानो लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इस ये सारे जो है पियानो ही है, लेकिन सब अलग अलग आवाज़ करता है, मतलब कि साउंड करता है। पता ही होगा इलेक्ट्रिक पियानो अलग आवाज़ करता है, सब कुछ जो है अलग अलग आवाज़ करता है। तो हम लोग को ग्रैंड पियानो चाहिए। ग्रैंड पियानो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसका साउंड मुझे बहुत पसंद है इलेक्ट्रिक पियानो से अच्छा, और मीडी पियानो जो रहता है मीडी कीबोर्ड, उससे अच्छा मेरे को ये लगता है। तो इसका साउंड जो है ऐसा करता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे छोटा सा गियर आइकन दिख रहा है जो सेटिंग का है, ये जो है सेटिंग है, ठीक है। और सेटिंग में जाके ये जो ट्रैक लिखा आ रहा है, सबसे पहले ये ट्रैक पे क्लिक करना है। ट्रैक पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया, ग्रैंड पियानो, जो हमारा ट्रैक खाली था उसके अंदर ये असाइन हो गया, मतलब कि ये जो चार है ये चार पहले से ऑलरेडी असाइन थे, 1 2 3 4, तो ये सब तो खाली था, मैंने अभी डिलीट कर दिया, तो ये पांचवा जो है ऑटोमेटिक असाइन हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें वापस जो है ये ग्रैंड पियानो हम लोग का जो है ओपन कर लेंगे।
तो हम लोग को सिंपली जाना है यहाँ पे गेयर आइकन के जस्ट नीचे एक एरो जैसा बना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे माउस का तो यहाँ पे पियानो रोल लिखा आ रहा है, ठीक है, हम लोग को ये चाहिए तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, तो ये हम लोग का पियानो ही है, ठीक है, ठीक है, तो ये पियानो ही है। इसके अंदर नोट्स हम लोग को रखने रहेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसे नोट्स हम लोग को बना के रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये डिलीट कर लेते हैं, हम लोग को जो चाहिए वो सॉन्ग का ई नहीं तो एफ माइनर में है, देख लेते हैं, साउंड देख लेते हैं, उससे अंदाज़ा आ जाएगा। एफ एफ में है, एफ माइनर में, ठीक है। तो हम लोग इसे पहले सिलेक्ट करके देख लेंगे कौन सा आता है इसमें, ठीक है, ये है एक। उसके बाद ये म्यूजिक कुछ ऐसे साउंड कर रहा था ना, तो यानी कि एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी सॉन्ग लोगे तो उसे जो है एक बार ध्यान से सुनना है, ठीक है, सुन के पहले बीट याद कर लेना कैसे बज रहा है, उसके बाद जो है ये पियानो रोल में आना, उसके बाद चेक करना बजा के कौन सा नोट कैसे काम कर रहा है। अगर म्यूजिक थियरी की नॉलेज होगी तो वो डायरेक्टली असाइन कर सकते हो, और अगर नहीं है म्यूजिक थियरी की नॉलेज तो आपको जो है लिसनिंग पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, तो गाने को ध्यान से सुनना और इसे कॉर्ड्स में लगा देना, ठीक है। अब ये कैसे लगाएंगे, अब जो है कैसे साउंड करता है ये तीन नोट्स देख लेते हैं, बहुत फास्ट आ रहा है, तो हम लोग को इतना फास्ट नहीं चाहिए, स्लो चाहिए, तो अब सुनते हैं। ये बराबर है, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये इतना परफेक्ट हो गया, ठीक है। और ये सिलेक्टर से सिलेक्ट करना है सब, थोड़ा एक आगे कर लेते हैं, अब परफेक्ट है, अब सुनते हैं वापस। टन 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 टन, ठीक है, वो परफेक्ट था वहां पे। अब ये परफेक्ट है, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद ये था शायद, तो ये C6, ठीक है, C6 पे एक रखना है, ये थोड़ा लंबा है तो C6 पे लंबा वाला रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये A5 में, ये छोटा सा आ रहा है तो छोटा सा रख देंगे। उसके बाद F5 में ये वाला बीट बजता है, ठीक है, तो ये वाला बीट जो है यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद G5 ये वाला हम लोग का मेन लीड, तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है छोटे वाले दो, हाँ यहाँ पे दो असाइन कर दिए, ठीक है। अब सुनते हैं ये म्यूजिक कैसा सुनाई दे रहा है स्टार्टिंग से। अब ये जो है हम लोग का
सुर जो है आ रहा है, ठीक है। अब जैसे साउंड था वैसे का वैसे साउंड आ रहा है। तो अभी धीरे धीरे हम लोग जो है पूरा नोट जो है मेलोडी बना लेंगे, ठीक है। एक अच्छा सा सॉन्ग हम लोग का रेडी हो जाएगा। तो हो सकता है कि वीडियो लंबी चली जाए, पन वीडियो लंबी होने से कुछ नहीं, आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है देखते जाओ, एक एक नोट्स लगाते जाओ। उसके बाद मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना कोई भी सॉन्ग हो अपना टच कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो वो मैं बताने वाला हूँ आगे, तो कॉर्ड्स लगाते लगाते ही बता दूंगा कभी। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे भी हम लोग का सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम लोग का सेम चीज़ वापस रिपीट होगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं, फिर यहाँ पे छोटा, सॉरी मैंने छोटा लगा दिया है, यहाँ पे बड़ा लगाते हैं। बड़ा लगा दिया और यहाँ पे एक बड़ा लगा दिया। अब यहाँ पे जो है छोटा छोटा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है A5 का आ गया, उसके बाद यहाँ पे G5, यहाँ पे F5 के दो, एक स्पेस छोड़ के, मतलब कि एक स्पेस एकदम छोटा वाला, ठीक है। तो ऐसा स्पेस छोड़ के दे देना है। उसके बाद जो है ये D5 बचता है, ठीक है, ये D5 बचता है। तो D5 में एक छोटा सा उसको डबल करके लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है सी बचता है, सी माइनर। तो सी माइनर का है ये है, ठीक है, C5। तो इसको जो है पूरा ही ले लेते हैं क्योंकि ये एंड है, ठीक है, ये मेलोडी का एंड है। तो पहले ये सुन लेते हैं इतनी कड़ी कैसे आवाज करती है। ये एक्स्ट्रा जैसा लग रहा है मुझे, मैं निकाल देता हूँ उसको। परफेक्टली जो है बीट में ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कर देते हैं, अब जो है ये पूरा परफेक्टली बैठ गया, ठीक है। आप चाहे तो इसमें जो है और चेंजेस कर सकते हो, फास्ट या स्लो कर सकते हो, या एक्स्ट्रा बीट जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो है G5 लगाते हैं। G5 किधर है हमारा, G5 ये रहा, यहाँ पे हम लोग को छोटा वाला लगाना है, ठीक है, छोटा वाला लगाया। उसके बाद A5 में लगाना है, A5 में भी छोटा वाला लगाना है, ठीक है। एक बराबर A5, फिर G5 बजता है, उसके बाद F5 बजता है, ठीक है। F5 किधर है हमारा, ये रहा। अब सुनते हैं कैसा है ये। टेंडे टेंडन टन ऐसा आवाज है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो है एक फाइनल D5 लगाना है। D5 का आवाज जो है ये है, ठीक है। तो ये D5 लास्ट में लगा के देखते हैं, अब देखते हैं कैसा बजता है। लेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं, ये बड़ा कर लेते हैं। मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो है थोड़ा चेंजेस करते हैं वापस। D5 ही लगाते हैं, लेकिन लंबा हो गया ये, अब सुनते हैं। टन 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 ऐसा आवाज आएगा, ठीक है। तो अब सुनते हैं,
जो है परफेक्टली बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे सुन सुन लो, अब जो है परफेक्टली हमारा बीट बैठ गया, ठीक है, इतना एक कड़ी बैठ गया है। तो आप स्टार्टिंग से सुन लेते वापस। ठीक है, अब हम लोग का ये एक लीड रेडी है, ठीक है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है दूसरे लीड पे। यहाँ से ये लीड थोड़ा चेंज है, तो ये लीड भी स्टार्ट ई से ही हो रहा है। ये पूरा सॉन्ग का स्केल ही ई में है, ठीक है, ई और एफ में, तो ये इधर ही है। उसके बाद जाना है डी, डी में लगाया। उसके बाद जाना है सी, ये सी में लगाया। उसके बाद फिर से जाना है डी, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे। अब सुनते हैं ये कैसा है। ये म्यूजिक टन टन, ये थोड़ा अलग है, अलग सुनाई दे रहा है। छोटा कर देते हैं हम लोग को, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला है। अब सुनते हैं। अब जो है परफेक्टली आ गया, ठीक है। अब परफेक्टली आ गया हम लोग का नोट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे A5, ये रहा। तो A5 में असाइन कर देना छोटा वाला। उसके ठीक ऊपर, A5 के ठीक ऊपर ये ब्लैक वाला नोट ये लगाना है, ठीक है। मैंने शायद ऊपर लगा दिया, ये ब्लैक वाले नोट पे लगाना है, ठीक है। तो ये लगा दिया। उसके ठीक दो डिस्टेंस आगे यहाँ पे A5 में वापस लगाना है, ठीक है। तो अब ये म्यूजिक सुना देता हूँ। टन टन, आप सुनते हैं। टन 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 टन, ऐसा था ना हम लोग का म्यूजिक। तो हम लोग जो है वो मेन जो था G5 था, ये था, तो इसे जो है लगा देंगे। ये बड़ा वाला आएगा क्योंकि ये एंडिंग पोर्शन है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब आगे आगे का जो लीड है वो लगा देंगे। उसके बाद आगे वाला जो बीट है वो लगाते हैं, ठीक है। वो E6 हमारा किधर गया, ये रहा, ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये छोटा वाला लगाना है, वो ये छोटा वाला लगा दिया। उसके बाद हम लोग को आगे वापस सेम टू सेम नोट बनाना है जो हम लोग ने अभी जस्ट बनाया था वैसे ही, ठीक है। तो वन स्पेस छोड़ के D6 में लगाया, उसके बाद वन स्पेस छोड़ के C6 में लगाया। स्पेस क्यों छोड़ा, क्योंकि ये स्पेस जो है ये ब्लैक बार का है, ठीक है। तो हम लोग को ये कंटिन्यू चाहिए, तो ये लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है वापस D6 लिया है हम लोग ने। D6 लेने के बाद वापस जो है D6 लिया है, ठीक है। तो ये सेम रिपीट ही हो रहा है वैसे, जो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, ऐसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट टूल की वजह से कंट्रोल सी दबाना है और कंट्रोल वी दबाना है, कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो उसे जो है सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। आगे जो है हमारा A5 पे है, ये रहा। तो यहाँ पे एक असाइन हो गया। उसके बाद ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर ब्लैक बार, ठीक है, ये। उसके बाद फिर यहाँ पे
उसके बाद G5 हम लोग का है नोट, तो G5 जो है हमारा बड़ा है, ठीक है, तो ये बड़ा वाला ले लेते हैं। अब जो है हम लोग अपना ये सुन लेते हैं, हम लोग ये सुन लेते हैं कि ये कैसा बना है। ठीक है, ये दो दो हम लोग का ऐसा लिरिक्स था वो आ गया। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब आगे वाले कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे वाला कड़ी जो है कुछ D6 से स्टार्ट होगा। ये D6 पे एक मेन लगा दिया। ठीक है, अब जो है A5 तेरा, तो यहाँ पे लगा दिया। अब हम लोग को ये छोटा वाला चाहिए, तो हम लोग ने बड़ा वाला लगा दिया। ठीक है, ये छोटा वाला हो गया। अब जो है एक ये उसके जस्ट ऊपर जो है हम लोग को ये लगाना है, ए शार्प। ठीक है, ए शार्प लगाया, उसके बाद ए माइनर वापस लगाना है हम लोग को यहाँ पे, उसके बाद जो है जी माइनर लगाना है। ठीक है, जी माइनर किधर है, ये जी माइनर हम लोग को लंबा वाला लगाना है। ठीक है, मतलब कि एक स्टेप बड़ा, इसमें लंबा बोलूँ तो मैं दो दो स्क्वायर लेना। ठीक है, कॉर्ड्स बनाते समय हम लोग को जितना मतलब एक ब्लॉक होता है यहाँ से 9 से लेके 10 तक, तो ये पूरा ब्लॉक जो है ये पूरा ब्लॉक ऐसे कॉर्ड्स बनता है। ठीक है, तो इसमें अब कॉपी पेस्ट एक और तरीके से होता है। अभी ये छोटे वाले पे मैंने क्लिक किया, और कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा तो ये छोटा वाला ही आएगा, और ये बड़े वाले पे क्लिक किया और कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये बड़ा वाला आएगा, तो ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो चाहिए उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, अगर बड़ा हो गया तो छोटा करने से अच्छा छोटे पे क्लिक करके छोटे वाले पे क्लिक कर लेना है, वो जिससे जो है जो साइज़ चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है G5 पे वापस आते हैं हम लोग, छोटा वाला चाहिए तो ये छोटा वाला कर लिया, उसके बाद यहाँ पे बड़ा चाहिए हम लोग को, उसके बाद ए माइनर तेरा, तो ये ए माइनर, उसके बाद जो है ए शार्प चाहिए। ठीक है, ए शार्प ले लिया। अब सुनते हैं ये कैसा सुनाई दे रहा है। जो है एक गलती करा है इसमें, ये मैंने सेम चीज कॉपी कर दिया यहाँ पे गलती से, तो अभी इसे यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। अब बराबर है। ठीक है, अब सुनते हैं। अब जो है आ गया है, अब एक मिसिंग जैसा लग रहा है यहाँ पे, तो ये वाला छोटा वाला हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा वाला ही ले लेते हैं। अब ये परफेक्ट है। ठीक है, वो छोटा वाला थोड़ा सा चेंजेस दे रहा था, तो थोड़ा सुनना भी है, अच्छे से सुन के जो अच्छा लगे वैसा एडजस्ट करके रख देना है। ठीक है, बस सॉन्ग अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मैचिंग होना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल सॉन्ग है वो एज इट इज़ सेम यही है, नहीं, पूरा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। ओरिजिनल सॉन्ग सुनो और ये सुनो, थोड़ा डिफरेंस ही रहेगा, क्योंकि ये मैंने अपने तरीके से कर दिया है। ठीक है, बिना म्यूज़िक थ्योरी के ये मैंने बिना नोट शीट के ऐसे ही सुन के जो है मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, बस ये सुन के किया है, तो आगे जाके मैं बताऊंगा कि
कैसे जो है सॉन्ग को सिलेक्ट करना है और उसका स्केल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो पहले ये वाला ख़त्म कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे ये आ गया, वापस से हम लोग ये बीट ले लेते हैं। अब C6 ये रहा, बड़ा वाला चाहिए, एज इट इज़ जैसे ये था वैसे ही यहाँ पे करना है, लेकिन चेंजेस करने हैं, ठीक है। D6 वापस, ठीक है। अब ये वाला ऐसे हो गया। अब ये सुन के देखो, उसके बाद एक और चाहिए जो ये वाला म्यूजिक है, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं नहीं ये ऐसे ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पे एक और लगा लेना, C6 थोड़ा अच्छा सुनाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हम लोग को वापस लगाना है A माइनर। हम लोग का ज़्यादातर A माइनर में ही है ये सॉन्ग। उसके बाद G माइनर में लगाना है, G माइनर ये है ना। उसके बाद F माइनर में लगाना है, उसके बाद फिर G माइनर में लगाना है, ठीक है। तो अब जो है ये ऐसे साउंड करेगा, ठीक है, ये ऐसे साउंड करेगा। उसके बाद D5 पे लगाते हैं, D5 हम लोग का है किधर, अब ये सुन लेते हैं थोड़ा कैसे सुनाई दे रहा है। D5 जो है, डी माइनर जो है, इसे लंबा यूज़ कर लेना, ठीक है। तो अच्छा लास्ट में एंडिंग टाइप लगता है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो है हमारा एंडिंग पोर्शन इसकी को बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एंड हो गया, तो अब जो है हम लोग एक बार और सुन लेते हैं कि ये कैसा बना है। तो हमारा जो है बीट पोर्शन वाला जो था हम लोग ने इतना बना लिया, ठीक है। तो आगे हम लोग बीट ऐड करने वाले हैं, तो इसके आगे का जो है मैं इसमें नहीं बताता हूँ, बाकी आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे बनता है, ठीक है। तो सुन के जो है पहले जो है क्या करना है आपको, जो है सारे नोट्स जो है लगा लेने एक साइड, फिर बजा के देखना है कि कैसे बजता। अब क्या करना है कि सबसे पहले अपना मोबाइल लेना, मोबाइल में कोई भी एक मिडी कनेक्टर ले लेना, डाउनलोड कर लेना। USB से मिडी कनेक्ट कैसे करते हैं, YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं जो उसे देख लेना। उसके बाद मोबाइल में वो डाउनलोड करना ऐप, उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन में जाना, फिर ऑडियो सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जो है मिडी है लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है आपका डिवाइस दिखाएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है आप जैसे ही मोबाइल में बजाओगे पियानो तो यहाँ पे भी बजेगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड करना होगा तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड करके आप मिडी जो है मोबाइल में बजाना पियानो, या फिर पियानो में बजाना जो मिडी कीबोर्ड होगा उसमें, तो उसमें जैसा बजाओगे यहाँ पर ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो वो एक बेस्ट ट्रिक है। तो अभी हम लोग जो है वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो
मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है कॉर्ड्स लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखो, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से देखना। स्टार्टिंग से मतलब कि अगर पहला वीडियो नहीं देखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको नॉलेज है FL स्टूडियो के बारे में तो फर्स्ट वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने सिर्फ वो वेबसाइट से डाउनलोड करना बताया है, कैसे डाउनलोड करना है। तो इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो सेकेंड से ही है, मतलब कि सेकेंड वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने सारे लेआउट्स के बारे में, इंटरफेस के बारे में बताया है। तो अगर आपने वो सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वॉच करो, उसके बाद जो है इस पे आना, ठीक है। तो मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। घर पे ही बैठे हैं तो फिर आराम से एक वीडियो एक दिन में देख सकते हो, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब सारे वीडियो एक दिन में दे डालो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो कुछ दिमाग में घुसने वाला भी नहीं है। तो क्या करना है, एक वीडियो देखना है, उसके बाद अपने आप से प्रैक्टिस करना है। अभी मैंने जो है ये सॉन्ग लिया और ये प्रैक्टिस के लिए बताया, ठीक है। आप लोग जो है कोई अनदर सॉन्ग लो और उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख के कोई प्रैक्टिस करके सॉन्ग बनाते हो तो उसे जो है मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, तो मैं उसे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपका नाम मेंशन करूंगा कि आपने ये बनाया, ठीक है। तो इसे जो है एक कोर्स है, तो कोर्स की तरह लो, मतलब कि समझ लो कि अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मेलोडी बनाना सीखो, फिर अपने आप से जो है एक्सपेरिमेंट करो, इसी मेलोडी को थोड़ा क्रिएटिव बनाओ, ठीक है। अभी क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो मैं वो एक बार डेमो दिखा देता हूँ। अभी जो है यहाँ पे मैं जो है इसे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये डबल क्लिक करके यहाँ पे लेवल्स में गया, ये कटर लेना है, कटर लेके अब देखो कैसे काम करता है, ठीक है। ये कटर के बहुत यूज है। अब इसे लाइन से नन कर देते हैं, अब जो है कहीं से भी हम लोग काट सकते हैं। अब ये कहीं से भी काट देना है, ठीक है। अब मैंने ये एक डेमो बता रहा हूँ कि कैसे करना है, आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आवाज कैसा करेगा देखना, ठीक है। अब जो है ये कुछ अलग ही डिफरेंट सा आवाज किया, ठीक है, जैसे कि सुन सकते हो। अभी वापस सुना देता हूं, ठीक है, कुछ ट्रन ऐसा कुछ आवाज आया, ठीक है। तो वैसे जो है अपने आप से क्रिएटिविटी कर सकते हो, इसको जो है ऐसे मिटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये मिटा भी सकते हो, जैसा चाहे वैसा बनाओ, लेकिन एक अच्छा सा क्रिएटिव सा बनाओ, ठीक है। तो ये सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, सिंपल से थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वैसे जो है क्रिएटिविटी करो तो आपको जो है पूरा नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। यही मेलोडी के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करो, जितना हो सके उतना एक्सपेरिमेंट करो और इसे एकदम यूनिक सा बनाओ। अगर आप बना लेते हो पूरा सॉन्ग, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कर दिया तो पूरे मेलोडी को वैसे छेड़ना, ऐसा नहीं, बहुत अजीब सुनाई देगा। जहाँ ज़रूरत हो और जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे ये ऐसा चीज़ होना चाहिए वहाँ पे करो, ठीक है, जैसा चाहे वैसा करो। इफ़ेक्ट लगाना है, इफ़ेक्ट लगाओ, लेकिन मैं अभी तक बताया नहीं कि इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं, तो इफ़ेक्ट नहीं लगाना है, सिंपल सा ये कटर का यूज़ करके बनाना है, ठीक है। सिंपल सा कटर सिलेक्ट टूल और ये जो बताया है मैंने, दो एक पेन और एक ब्रश, तो इसी का इस्तेमाल करना है अभी तक, तो इसी चारों का इस्तेमाल करना है और अपनी क्रिएटिविटी बतानी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी म्यूज़िक के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कॉर्ड्स लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। कॉर्ड्स क्या होता है,
कॉर्ड्स जो है बेसिकली एक बैकग्राउंड साउंड जैसा ही आवाज़ करता है, ठीक है। तो अभी सपोज कि ये चल रहा है, तो ये किस पे चल रहा है हम लोग का, एफ माइनर पे चल रहा है, तो एफ मेजर ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये एफ मेजर ले रहे, तो ये पूरा यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब सुनते हैं, नहीं मेजर नहीं, माइनर पे है तो माइनर ही लेना है। तो अब जो है ये माइनर में है तो हम लोग माइनर ही लेंगे, ठीक है, मेजर पे नहीं है। अगर मेजर पे होगा तो मेजर लेंगे। तो अब जो है आवाज़ कैसे साउंड कर रहा है, देखो कॉर्ड्स लगाए मैंने, ये सिंगल कॉर्ड्स बताने वाला हूँ, मल्टी कॉर्ड्स जो है आगे बताऊँगा। बहुत सारे टाइप के कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो है मेजर और माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो वो दो कॉर्ड बताने वाला हूँ कैसे है और कहाँ यूज़ करना है। तो अभी पहले तो सिंगल कॉर्ड ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में सिंगल कॉर्ड लगाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये जो है मैच हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो है ये सिंगल कॉर्ड्स बताऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और ये वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिसको म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सीखना है या कुछ नया सीखना है, नया सीखना है उन लोग के लिए भी ये वीडियो है, और जिसको म्यूज़िक के बारे में पूरा सीखना है उसके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।